हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेएनवीएसटी एग्जाम पैटर्न। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। जेएनवीएसटी का मतलब हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जो कि हर साल होता है क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए। आप लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं। इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। हम फिलहाल क्लास 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की बात करने वाले हैं और उनका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जो जिन बच्चों ने भी क्लास 6 के एडमिशन के लिए फॉर्म भरा होगा, उनका एग्जाम जो है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। 29 अप्रैल को उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो क्लास सिक्स का क्या एग्जाम पैटर्न होता है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, उसके लिए हमें कितना टाइम मिलता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसी के साथ कुछ चीजें और है, कुछ पॉइंट्स और है जो कि आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम से पहले। उस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखने चाहिए, ठीक है? तो जो सबसे पहली चीज है यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कि किस स्टेट में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आसाम में, तो आसाम में कितने स्कूल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिहार में कितने स्कूल है ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ कितने स्कूल है आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो एग्जाम है, जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जेएनवी इज फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 और 2024, मतलब अब जो सेशन आने वाला है उसके अंदर हमारा जो एडमिशन होगा क्लास 6 में, उसके लिए जो एग्जाम है वो कब होने वाला है? सैटरडे 29 अप्रैल 2023 एंड एट 11:30 AM। कब होने वाला है आपका एग्जाम? एग्जाम जो है वो इतने बजे होने वाला है, 11:30 बजे सुबह में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स, ये मैं दिखाती हूँ कि आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप देखिए, द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाय एनवीएस इन ड्यू कोर्स, विच विल बी डिस्प्लेड ऑन एप्लीकेशन पोर्टल। द एडमिशन कार्ड शेल बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कैंडिडेट पेरेंट्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ जेएनवीएसटी। मतलब आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ पे आपने इसका फॉर्म भरा होगा, उसी पोर्टल पे आपको एडमिशन कार्ड मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को बोल के, आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, तो खुद से नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहनों को बोल के इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है एग्जाम सेंटर पे, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है? हु इज एलिजिबल, एक ये चीज है, हु इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन है, ठीक है? कौन बच्चे हैं जो एग्जाम दे सकते हैं? आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, बट आपने पढ़ लिया होगा आई होप एग्जाम से फॉर्म भरते वक्त। पर अगर नहीं भी पता तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि कैंडिडेट्स हैज टू स्टडी क्लास 5 इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2022 और 2023। मतलब जरूरी है कि आप क्लास 5 में किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से, ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं क्या मैम, प्राइवेट वाले नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है? आपकी जो स्कूल है वो भले ही प्राइवेट हो, पर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल होती है, होनी चाहिए, ठीक है? और आप उसी डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज दी हुई है, कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5 बिफोर द सेशन 2022 और 2023 और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब जो जिन बच्चों ने भी क्लास 5 इस सेशन से पहले ही पढ़ लिया है, मतलब 2022-23 में नहीं, उनका जो सेशन है वो पहले ही 2021-22 में ही उन्होंने 5th क्लास कंप्लीट कर लिया है, वो अभी 6th में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? या फिर रिपीटेड कैंडिडेट्स, ठीक है, जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, एक बार दे चुके हैं पहले, अब वापस एग्जाम दे रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है? उसके बाद कुछ चीज है जो आपको दी हुई है, ऐसे बच्चे जो कि इससे पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है
1 मई 2011 से पहले जिनका बर्थडे आता है, और 38 अप्रैल 2013 के बाद जिनका बर्थडे आता है, वो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनका कितना कितना बोला मैंने, 1 मई 2011 से पहले अगर आपका बर्थडे आता है, या फिर 38 अप्रैल 2013 के बाद आपका बर्थडे आता है, इससे पहले और इसके बाद अगर आपका बर्थडे आता है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं एनवीएस में। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है, उसके बाद एक और चीज दे रखी है, वो है अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5th फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन 2022-23। मतलब जो भी बच्चा आप अपना सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपेयर होने वाला है, आने वाला है सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए, जरूरी है कि उसने क्लास 5th पूरी 2022-2023 के सेशन में, मतलब लास्ट सेशन में पूरा उसने अपना क्लास 5th पढ़ा हो, वही किसी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज दे रखी है, और एक चीज दे रखी है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लासेस 3rd, 4th, and 5th फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास। मतलब ऐसा बच्चा जो कि क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देने वाला है, जरूरी है कि उसने क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th तीनों ही उसने पास की हुई हो, ये जरूरी है। ठीक है, उसने तीनों क्लासेस अलग अलग साल में पढ़ी हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपियर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। मतलब कोई भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ भी हो जाए, धरती आसमान पलट जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी बच्चा दूसरी बार सेकेंड टाइम सिलेक्शन टेस्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, एलिजिबल नहीं है दोबारा देने के लिए कोई भी बच्चा। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें जरूरी हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी है, आपको डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट कराने पड़ेंगे, वो यहाँ आपको क्लियरली मेंशनड है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से। उसके बाद आपको और कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम में कुछ बच्चों को लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसका एग्जाम एंट्रेंस हम देने जा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होने वाला है या सिर्फ हिंदी में ही पेपर होने वाला है, मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरी तो हिंदी वीक है। ठीक है, हम लोगों को ये हमें लगने लग जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो एग्जाम है वो आप देख सकते हैं, अलग अलग आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म भरा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेजेस स्टेट वाइज एज गिवन बिलो। मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि आप देने जा रहे हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है कंडक्ट होता है, आप जिस भी स्टेट के हैं वहां आप पहले ही देख सकते हैं कि किस किस लैंग्वेज में। उसके बाद अगर आप लोग जैसे कि बिहार से हैं तो इंग्लिश हिंदी और उर्दू में भी आप दे सकते हैं, चंडीगढ़ से हैं तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी में दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं तो इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप गोवा से हैं तो देखिए आप इंग्लिश हिंदी मराठी और कन्नड़ में दे सकते हैं, गुजरात से हैं तो इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी लैंग्वेज से आप टेस्ट दे सकते हैं। इस तरीके से आप जिस भी मतलब स्टेट से हैं वहां पे आप कौन कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं या आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों के लिए है, अगर आप उड़ीसा से हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश हिंदी तेलुगु उड़िया और उर्दू है, फिर आप पुडुचेरी से हैं अगर तो इंग्लिश तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी है, पंजाब से हैं तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी है, राजस्थान से हैं तो हिंदी इंग्लिश है। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग स्टेट से हैं तो आप अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे, यहीं से हमारा एग्जाम पैटर्न जो है की बात होती है।
दिया हुआ है आपको, द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 AM टू 1:30 PM, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है। कितने टाइम का? 2 घंटे का। कब से कब तक होना है? 11:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा सुबह से, कब तक चलेगा? 1:30 PM तक चलेगा, ठीक है। ये 2 घंटे का पेपर होना है आपका। इस 2 घंटे के पेपर में आपको यहाँ दिया हुआ है एंड विल हैव 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है आपके पास? 3 सेक्शंस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे। उसके बाद क्या है? देयर आर 80 क्वेश्चंस इन ऑल ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पे सेक्शंस पूछे जाने वाले हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। ये सब हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन है हमारा वो है अरिथमेटिक टेस्ट, और थर्ड जो सेक्शन है हमारा वो है लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। अब किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमें ये पता करना है, ठीक है। देखते हैं हम, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से हमारे पास 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 50 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक टेस्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 25 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट से हमारे पास 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगेन कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 25 मार्क्स के होने। टोटल ऑफ 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, और टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने आने वाले हैं? 80 आने वाले हैं। अब ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके लिए 40 क्वेश्चंस है आपके पास, और 40 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 60 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो टाइम आपको मिलने वाला है 60 मिनट, मतलब पूरा 1 घंटा। उसके बाद देखिए आप अरिथमेटिक टेस्ट, जो कि आपका हुआ मैथ्स एक हिसाब से, ठीक है, वो आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और 20 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलना कितने वाला है? 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब हाफ आवर मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज टेस्ट के लिए, उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स, मतलब हाफ आवर मिलने वाला है। टोटल 2 आवर्स का आप लोगों के पास टाइम है। 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उन 80 क्वेश्चन से आप लोगों को 100 मार्क्स जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे OMR के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं, जो कि हम पढ़ लेते हैं। अ सेपरेट OMR आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, मतलब OMR आपको मिलने वाला है, और OMR पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है आपको ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज टू राइट ऑन द OMR शीट, मतलब सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, वो भी कैसा? बॉल पॉइंट पेन। अब ये नहीं कि हम इंक वाला पेन लेके चले गए उठा के, हम जेल लेके चले गए, है ना। इंक वाले पेन, जेल वाले पेन अलाउड नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया है। जो सिंपल पेन आते हैं आपके, बॉल पॉइंट पेन, वही आपको यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत जरूरी हमें यहाँ पे दी हुई है, वो है यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब पेंसिल का यूज तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप पेंसिल लेके चले जाएंगे और मतलब हमारा काम हो गया, हम तो पेंसिल से एग्जाम देके आ जाएंगे, क्योंकि 5th क्लास में तो हम पेंसिल यूज करते थे। नहीं, आप भले ही अपने क्लास में पेंसिल यूज करते होंगे, पर अब आप 6th में एडमिशन के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं ना, अब आप 5th में तो है नहीं, आप 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो पेंसिल आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो कोई भी पेंसिल लेके मत चले जाना, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है वरना शीट पे। अब आगे एक और चीज दी हुई है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स एंड डार्कन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल, मतलब जरूरी है कि जो कैंडिडेट है वो करेक्ट आंसर चूज करे और अच्छे से सर्कल करे। ऐसा नहीं कि अब आपने सर्कल भी गलत कर दिया। क्यों? देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सर्कल कर देते हैं, आई एम सॉरी दिस इज नॉट सेलेक्टेड, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सर्कल करते वक्त ऐसे जल्दबाजी में ऐसे ऐसे कर दिया सर्कल इतना सा और छोड़ दिया। नहीं, देख रहे हैं आपकी जगह खाली है, अगर ये जगह ऐसे खाली रहती है तो आप लोगों का
मैं तो यहाँ डिजिटल पेन से बना रही हूँ, तो मेरा तो उतना करेक्ट नहीं बनेगा, पर आप लोगों का करेक्ट बनना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को सर्कल अच्छे से फिल करना है, कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ सी ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है कैसे फिल करना है। आप लोगों को सर्कल ऐसे ही फिल करना है जैसे यहाँ हमें गिवन है, ठीक है, ऐसे ही सर्कल फिल करना है। अगर आप सर्कल थोड़ा, अच्छा कई बार हम क्या करते हैं, फिल करते करते ऐसे बाहर भी फिल कर देते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही थोड़ा ही फिल करके छोड़ देते हैं ये, तो ये भी नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी आपका सॉरी, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, सिर्फ करेक्ट मेथड ये है, ठीक है। तो आपको उसी का यूज करना है, और ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं। नो चेंज इन द डार्कन सर्कल इज अलाउड, मतलब आपने जो एक बार सर्कल डार्क कर दिया उसमें अब कोई भी चेंज अलाउड नहीं है, ठीक है। स्ट्राइकिंग अप्लाइंग व्हाइट करेक्शन फ्लूइड एंड इरेजिंग ऑन द ओएमआर शीट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, मतलब अगर आप ओएमआर शीट को इरेज करने की कोशिश करते हैं, उस पे करेक्शन फ्लूइड जिसको व्हाइटनर हम लोग बोलते हैं उसको अगर आप यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। आगे भी आपको कुछ दिया हुआ है, सच आंसर्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड, मतलब अगर आपने किसी आंसर पे करेक्शन फ्लूइड लगा दिया या उसको मिटाने की कोशिश कर दी, तो वो भी आपका वो आंसर इवेल्युएट ही नहीं होगा, मतलब चेक ही नहीं होगा, मार्क्स ही नहीं मिलने होंगे वाले आंसर्स पे, ठीक है। आई क्या है, 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब हर करेक्ट आंसर पे, एक करेक्ट आंसर पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1.25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं हर करेक्ट आंसर पे। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं बिना ये सोचे कि मतलब ये मैं एग्जाम मेरा गलत हुआ तो फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, या कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं कटने हैं आपके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको नेचर ऑफ द टेस्ट, मतलब बताया हुआ है टेस्ट टेस्ट आपका किस टाइप का होने वाला है, तो हर एक सेक्शन से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपको यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आपका पहला सेक्शन है उससे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप आराम से देख सकते हैं, पार्ट थ्री पैटर्न कंप्लीशन, पार्ट फोर फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, पार्ट फाइव एनालॉजी, ये सब आप आराम से अपना, पार्ट सिक्स ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है, मिरर इमेजिंग, ठीक है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग और ये सब, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, आप ये सब आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो सेक्शन टू है उसके लिए भी दिया हुआ है अरिथमेटिक टेस्ट, उसके लिए भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, पहले तो सिलेबस, उसके बाद सिलेबस के बाद क्वेश्चन भी बताया हुआ है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बताए हुए हैं, ये देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, अच्छा इसी के साथ जो है हमारा आज का जो हम एग्जाम पैटर्न समझने वाले थे वो हमने समझ लिया, हमने देख लिया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हमने देख लिया कि कितने सेक्शंस है, तीन सेक्शंस है हमारे एग्जाम में। फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकंड सेक्शन कौन सा है, अरिथमेटिक, थर्ड सेक्शन कौन सा है हमारा, लैंग्वेज। हमने देखा इससे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके लिए टाइम कितना मिलने वाला है, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 60 मार्क्स के आने वाले हैं। यहाँ हमने देखा कि इससे हमारे 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 मार्क्स के आने वाले हैं, यहाँ भी हमने देखा कि 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 मार्क्स, अच्छा सॉरी यहाँ हमने देखा था कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कि 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं बट कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं बट 50 मार्क्स के आने वाले हैं, टाइम कितना मिल रहा था इसके लिए, मिल रहा था हमें 60 मिनट्स, इसके लिए हमें मिल रहा था 30 मिनट्स, और इसके लिए भी हमें मिल रहा था 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारा रहा जो हमने आज मेनली उसके बारे में बात की, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा कोई एग्जाम में बैठ रहा हो
तो कोई फायदा नहीं है उन लोगों को, डिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है दोबारा, जो एग्जाम देने वाले अलाउड नहीं है, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ही पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल फिफ्थ ही पढ़ा हो पूरे साल भर, ठीक है। उसके अलावा उनके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लासेस उन्होंने पूरे पूरे साल 3 साल में कंप्लीट की हो, और तीनों का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद OMR शीट पे पेंसिल का यूज नहीं होगा, एग्जाम पेंसिल कोई काम नहीं, पेंसिल लेके मत जाइएगा, या वहाँ पे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है। 11:30 से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो कम से कम 11 o'clock से आप लोगों को अंदर बैठना स्टार्ट हो जाना है। उसके लिए आपको कम से कम सेंटर पर 10 और 10:30 तक पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है ना, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है माना, तो हम लोग मान के चलते हैं कि सिलेक्शन होने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तीन चीजें हैं जो सिलेक्शन में बहुत हेल्प करती है, पहली है हमारी प्रिपरेशन, मतलब आपने एक बार अपना कोर्स पूरा कर लिया, उसको आप बोल सकते हो कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो कोर्स है GNVST का उसको आपने एक बार कंप्लीट लिया। जो दूसरी चीज है वो है रिविजन, आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लिया, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स है उनको आपने बार 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 रिवाइज कर रखा है। जो थर्ड चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम एक सीरीज जो है पूरी मैराथन सीरीज कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाली है, किसकी, अरिथमेटिक। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को क्लासेस मिलने वाली है किस चीज की, मैथमेटिक्स की, जिसमें हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका, जिसमें हम करने वाले क्या वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस, का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसी को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 10 से 15 साल JNVST में जो पूछे गए हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन, उस पूरे क्वेश्चन की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज मिलने वाली है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली एग्जाम से पहले, तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है। बट सिर्फ सीरीज से काम नहीं चलेगा, मैंने बता दिया है आपको, उससे पहले के दो स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। किया होगा आपने ऑब्वियसली, पहला था प्रिपरेशन जो आई होप मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, दूसरा था रिवीजन जो भी मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने कर लिया होगा, और ये हो गया आपका सुपर रिवीजन, ठीक है। ये हम जो बात कर रहे हैं इसकी, ये है आपका क्या है, ये है आप लोगों का सुपर रिवीजन। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी बैच के साथ हम लोग मिलते हैं कल से, ठीक है, जहां पे मैं आप लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 10 से 15 साल के 1 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम से पहले पूरी सीरीज आप लोगों को देने वाली हूँ सॉल्व करके। वहां हम लोग साथ में जुड़ेंगे, आप लोग जुड़िए मेरे साथ, हम लोग साथ में वहां पे काम करेंगे, और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।